6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाह दिन है। भारत की कदीम तरीन मस्जिद को जालिमों ने बजोर ताकत ढा दिया, लेकिन 9 नवंबर 2019 का दिन भी इससे कम नहीं है, जब भारत की सबसे बड़ी अदालत ने यह मान लिया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को ढाकर नहीं बनाई गई। अदालत ने यह भी मान लिया कि बाबरी मस्जिद में 1949 तक नमाज होती रही है। अदालत ने यह भी मान लिया कि 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखना गैर कानूनी था, और यह भी मान लिया कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाना गैर दस्तूरी और गैर कानूनी था। और इन तमाम शवाहिद को मानने के और इन तमाम हकाइक को मानने के बावजूद वहाँ के जजों ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी। इसलिए ये कहा जाता है और ये कहना चाहिए कि 9 नवंबर 2019 का दिन भी एक सियाह और तारीख दिन है। लेकिन गौरतलब मामला ये है कि भारत के मुसलमानों ने इतने दिनों में अपने आप में कितनी तब्दीली की। आज एक बाबरी मस्जिद के अलावा भारत की धरती पर सैकड़ों मसाजिद अपनी शान व शौकत के साथ खड़ी है। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आज मस्जिदें अल्लाह के घर के बजाय मसलकों के अड्डे बन गए हैं, जहां मस्जिदों के दरवाज़ों पर बड़ा सा बोर्ड लगाया जाता है कि फला मसलक वालों की आमद ममनू है। ये तो भारत के मंदिरों के गेट पर भी नहीं होता कि मुसलमानों के यहाँ आना ममनू है। जहाँ के इमाम और ख़तीब मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर कुफ्र के गौले दागते हैं, और इन बेशऊरों को ज़रा भी एहसास नहीं होता कि मिल्लत का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे वक्त में जबकि अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शायर इस्लाम की खुली तोहीन की जा रही है, दुश्मनान इस्लाम रात दिन नफरत फैला रहे हैं और मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग महज मसलक का प्याला लेकर मुसलमानों में जहर नोशी करते फिर रहे हैं। मिल्लत के खतीबों को इसका ज़रा भी एहसास नहीं है कि मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ तालीम कैसे हासिल करें। हाँ, बड़े बड़े इज्तमाआत तालीम के नाम पर भी ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन महज इज्तमाआत करने और तालीमी सेमिनार करने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से लोग वोट मांगते हैं, इसी तरीके से घर घर जाकर बच्चों को और उनके गार्जनों को तालीम के लिए बेदार करने की ज़रूरत है, तब लोग कुछ बेदार होंगे। नहीं तो आज भी बहुत से गार्जन ऐसे हैं जो अपनी काहली और सुस्ती के बिना पर और बहुत सारे गरीबी का दुख लिए बैठे हैं, और उनकी औलादें शहर के फुटपाथ पर, सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं।